नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर CUET प्रिपरेशन में। इस वीडियो में एक ज़रूरी अपडेट है जो कि CUET से रिज़ल्ट के बारे में पूछा जा रहा है या उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है CUET में, उन सभी में आपका एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होने वाला है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपके CUET के चाहे UG कोर्स हो चाहे PG कोर्स हो, इनके रिज़ल्ट आने के बाद ही शुरू होंगे। चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, BHU को छोड़ दिया जाए, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी है जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस UG के लिए ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो आपके CUET UG और CUET PG के रिज़ल्ट आने के बाद ही एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और झारखंड में, झारखंड के लिए मैं बताना चाहूँगा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से MP में भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो अपना CUET के बेस पे भी एडमिशन ले रही हैं और नॉन CUET के बेस पे भी एडमिशन ले रही हैं। तो उस केस में नॉन CUET में जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चालू हो चुका है या कुछ का ख़त्म भी हो चुका है। जैसे उज्जैन यूनिवर्सिटी जो कि आपका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में जो स्थित है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है और काफ़ी सारे ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कि नॉन CUET से भी एडमिशन ले रही है और CUET से भी। तो नॉन CUET वाले का कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसके डिटेल के बारे में आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं उसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा कि CUET के थ्रू कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। मुझे आशा है कि जो भी रिज़ल्ट आने के बाद ही मैक्सिमम से मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वो 7 से 8 दिनों में ही शुरू कर देगी। जो 7 से 8 दिनों में शुरू नहीं करती है वो उसके बाद, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी CUET के रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं CUET के रिज़ल्ट के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। धन्यवाद।